भाग कद्दू भाग। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। ये जंगल बहुत ही घना और अंधकार भरा था। जंगल इतना घना था कि दोपहर के समय में भी सूरज की किरणें अंदर नहीं पहुंच पाती थी। इसी कारण से वहां हमेशा अंधकार छाया रहता था। इस जंगल में कई प्राणी भी रहते थे। इसी कारण जंगल में जाने से लोग डरते थे। जंगल के एक किनारे बहुत ही बड़ा तालाब था और दूसरी ओर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाले जंगल के प्राणियों से बहुत डरते थे। इस छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही चालाक थी। उसकी बेटी शादी के बाद जंगल की दूसरी ओर आए हुए तालाब के पास एक गांव में रहती थी। जब जब बुढ़िया को अपनी बेटी की याद सताती थी तो वो उसे मिलने चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसे अपने बेटी की बहुत ही याद आने लगी। उसने तय किया कि चलो उसे मिलने चला जाए। उसने एक झोला उठाया, उसमें अपने कपड़े और अपने पोते पोतियों के लिए कुछ मिठाइयां भर ली। बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूं, मेरे वापस आने तक घर का ख्याल रखना, और वो निकल पड़ी। छोटे छोटे कदम भरती हुई अब वो घने जंगल में पहुंच गई। अचानक उसके सामने एक बाघ आकर खड़ा हो गया। बाघ ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि बुढ़िया तो डर के मारे कांपने लगी। बाघ ने बुढ़िया से पूछा, कहां जा रही हो? मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया बहुत ही डरी हुई थी, पर अपने डर के बारे में बाघ को पता चलने ही नहीं दिया। चतुराई से वो बोली, अब तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? वैसे भी मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पर मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझे खाने में तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बाघ ने कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना बुढ़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, बुढ़िया ने कहा, मैं क्यों तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त मुझे खाओगे तो तुम्हें मांस के बजाय सिर्फ हड्डियां ही मिलेगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहां मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, आराम करूंगी और जरा मोटी भी हो जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा भी आएगा। कुछ देर के लिए बाघ सोचने लगा। उसे लगा ये तो अच्छा विचार है। वो बोला, ठीक है बुढ़िया, तुम अपनी बेटी के घर जा सकती हो, पर याद रखना, वचन के अनुसार तुम्हें वापस आना ही होगा, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बुढ़िया ने वापस आने का वादा किया और वहां से चल पड़ी। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक भेड़िया मिला। जैसे ही उसने बुढ़िया को देखा, उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने बुढ़िया को रोक लिया। पर इस बार भी बुढ़िया को जरा भी डर नहीं लगा। भेड़िए ने उससे कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहां आई बुढ़िया,
मैं अपने भोजन के लिए तुम्हें खा सकता हूँ। बुढ़िया ने भेड़िये को भी वही बहाना बताया। उसने कहा, अगर तुम मुझे इस वक्त खाओगे तो हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा रहेगा कि मैं जब अपनी बेटी के घर से लौट कर आऊं तब खाना, ताकि मुझे खाने में तुम्हें सचमुच मजा आएगा। भेड़िये ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, इस वक्त तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर अपनी बेटी से मिलने के बाद तुम्हें वापस आना होगा। बुढ़िया फिर से निकल पड़ी अपनी बेटी के घर की ओर। जंगल से निकलने के बाद वो तालाब के किनारे से चलती हुई सलामत अपनी बेटी के घर पहुंच गई। माँ को देखकर बेटी को बेहद खुशी हुई। बुढ़िया ने कुछ दिन अपनी बेटी के घर पर बड़े आराम से बिताए। उसने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाया, मिठाइयां भी खाई और आराम किया। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, अब मुझे जाना चाहिए, यहाँ रहने में मुझे बड़ा आनंद मिला, अगर जिंदा रही तो हम फिर मिलेंगे। बेटी समझ गई कि कोई तो ऐसी बात है जो माँ उससे छुपा रही है। उसने माँ से पूछा कि क्या बात है। बुढ़िया ने जंगल की सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वो कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी। उसने एक बड़ा सा लाल कद्दू लिया और उसे खाली किया। उस कद्दू के अंदर जगह बनाई और माँ को अंदर बैठने को कहा। फिर उसने बुढ़िया को विदा दी। अब कद्दू जंगल के अंदर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो भेड़िये के पास पहुंची। वो उसी का इंतजार कर रहा था। भेड़िये ने कद्दू को रोक कर पूछा, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? कद्दू ने जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी बुढ़िया को नहीं देखा है। और फिर से कद्दू ने भागना शुरू किया। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अच्छा खासा अंतर काटने के बाद कद्दू बाघ के पास पहुंचा। तुरंत ही बाघ उस कद्दू पर टूट पड़ा। अब बुढ़िया को बाहर आना ही पड़ा। उसने चालाकी से दोनों से कहा, देखो, दिए हुए वचन के अनुसार मैं तो आ गई हूं। अब तुम्हें तय करना है कि मेरे शरीर का कौन सा भाग कौन खाएगा, कौन मेरा सर खाएगा और कौन मेरे हाथ पांव खाएगा। बाघ ने गरजते हुए कहा, बिल्कुल, सर तो मैं ही खाऊंगा। भेड़िया बोल उठा, नहीं, सर तो मैं ही खाऊंगा। बाघ ने कहा, पहले मैंने उसे देखा है, सर तो मैं ही खाऊंगा। दोनों जोर जोर से बहस करने लगे। बातों से कुछ तय नहीं हो पाया तो दोनों मारपीट पर उतर आए। चतुर बुढ़िया चुपके से कद्दू के अंदर बैठ गई और घर की ओर भागने लगी। कद्दू भागता ही गया और बुढ़िया के गांव तक पहुंच गया और जाके रुका सीधे बुढ़िया के घर के सामने। तो समझे ना बच्चों, जरा सी होशियारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है।